नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रैक्टर लर्निंग सेंटर से। आज का हमारा टॉपिक है रोटावेटर ब्लेड कैलकुलेशन और रोटावेटर एचपी सिलेक्शन। मतलब रोटावेटर ब्लेड कैलकुलेशन मतलब क्या होता है कि कितने फीट के रोटावेटर में, मान लीजिए 5 फीट का रोटावेटर है तो उसमें कितने ब्लेड होते हैं, वो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। और उसके बाद मान लीजिए 50 HP का ट्रैक्टर है तो उसके लिए कितने फीट का रोटावेटर हमें लगाना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आज हम लेने वाले हैं दोस्तों, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हम देखने वाले हैं रोटावेटर ब्लेड कैलकुलेशन। तो पीछे मैंने ब्लेड कैलकुलेशन किया हुआ है तो वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम रोटावेटर एचपी सिलेक्शन पे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बोर्ड पे मैंने रोटावेटर ब्लेड कैलकुलेशन बनाया हुआ है। तो ब्लेड कैलकुलेशन, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि ब्लेड कैलकुलेशन मतलब क्या होता है कि कितने फीट का रोटावेटर, मान लीजिए 5 फीट का रोटावेटर है तो उसमें कितने ब्लेड होते हैं, 6 फीट का रोटावेटर है तो उसमें कितने ब्लेड होते हैं। तो उसके लिए एक बेसिक कैलकुलेशन है जो सभी लोगों को पता नहीं है, सिंपल सा है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी इसमें इसके अंदर नहीं है। तो ये जो कैलकुलेशन है दोस्तों, ये जो कैलकुलेशन मैंने बनाया है, तो ये कैलकुलेशन बस EL टाइप के ब्लेड के लिए यूज, मतलब ज्यादातर EL टाइप के ब्लेड ही यूज किए जाते हैं, J टाइप के ज्यादातर वेटलैंड कल्टिवेशन पडलिंग में यूज। तो ये EL टाइप के रोटावेटर जो होते हैं जिसमें EL टाइप के ब्लेड लगे होते हैं उसके लिए कैलकुलेशन बहुत फायदेमंद है। तो यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए मेरा 5 फीट का रोटावेटर, तो मान लीजिए दोस्तों 5 फीट का अगर मेरा रोटावेटर है तो 5 फीट के रोटावेटर में कितने ब्लेड होते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो 5 फीट का रोटावेटर है तो मैंने उसको मल्टीप्लाई 6 किया, उसमें 6 मिलाया तो मुझे 36 मिल रहा है। मतलब 5 फीट का रोटावेटर जो होता है वो 36 ब्लेड का होता है, ठीक है। वैसे ही 6 फीट का अगर मुझे निकालना है तो 6 फीट में मैंने गुना 6 किया प्लस 6 किया तो कितना हो गया, 42 ब्लेड का रोटावेटर। मतलब अगर 6 फीट का रोटावेटर है तो उसमें कितने ब्लेड रहेंगे, 42 ब्लेड रहेंगे। अगर 7 फीट का रोटावेटर है तो मैं उसमें गुना 6 करूंगा, ऐड 6 करूंगा तो मुझे कितना मिल रहा है, 48 ब्लेड मिल रहे हैं। मतलब 7 फीट के रोटावेटर में कितने ब्लेड होते हैं, 48 ब्लेड होते हैं। वैसे ही 8 फीट का है तो 8 में गुना 6 किया प्लस 6 किया तो कितने ब्लेड हो गए, 54 ब्लेड हो गए। तो इस प्रकार से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने फीट के रोटावेटर में कितने ब्लेड होते हैं। तो आपको क्या करना है, बस गुना 6 करना है और ऐड 6 करना है, ठीक है। उसमें 6 से गुना करना है, उस फीट को 6 से गुना करना है और 6 को उसमें मिलाना है तो आपको पता चल जाएगा कि 5 फीट के रोटावेटर में कितने हैं, 6 फीट के रोटावेटर में कितने ब्लेड आते हैं, 7 फीट के रोटावेटर में कितने ब्लेड आते हैं और 8 फीट के रोटावेटर में कितने ब्लेड आते हैं। तो मैंने इसमें 6 ऐड क्यों किया, 6 मिलाया क्यों। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस 6 और मल्टीप्लाई 6 हमने क्यों किया है, इसमें डाउट रहेगा। तो आपने कभी रोटावेटर ऑब्जर्व किया होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो कॉर्नर के दो फ्लेंज रहते हैं, एक लेफ्ट कॉर्नर का और राइट कॉर्नर का, ये जो दो फ्लेंज रहते हैं इसमें 6 ब्लेड रहते हैं, मतलब दोनों मिल के 3-3 ब्लेड उसके अंदर रहेंगे। और जो बीच वाले फ्लेंज रहते हैं उसमें 6 ब्लेड रहते हैं। तो जो बीच वाले फ्लेंज के 6 ब्लेड हैं इसलिए मैंने उसको 6 से मल्टीप्लाई किया है, और जो कॉर्नर के दो 6 फ्लेंज है उसमें 3-3 ब्लेड है इसलिए मैंने उसमें 3 और 3 6 हो गए, इसलिए मैंने प्लस उसमें 6 किया है। अभी दोस्तों हम इसके बाद देखने वाले हैं रोटावेटर एचपी सिलेक्शन। मतलब अगर 50 HP का ट्रैक्टर है तो उसको कितने फीट का रोटावेटर हमें चाहिए, 35 HP का ट्रैक्टर है तो उसको कितने फीट का रोटावेटर चाहिए, 40 HP का अगर ट्रैक्टर है तो उसको कितने फीट का चाहिए। तो वो भी मैं सिंपल कैलकुलेशन आपको बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी हम रोटावेटर एचपी सिलेक्शन देखेंगे कि कितने एचपी के ट्रैक्टर को कितने ब्लेड का या फिर कितने फीट का रोटावेटर हमें चाहिए होता है। तो उसके लिए भी सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो अप्रोक्सीमेट ऐसा माना जाता है दोस्तों कि रोटावेटर का एक ब्लेड जो होता है, रोटावेटर का एक ब्लेड 1 PTO HP का रहता है, रोटावेटर का एक ब्लेड 1 PTO HP का रहता है। तो अभी हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि 1 PTO HP, मतलब PTO HP क्या है, वो कहां से हमें मिलेगी। हमें ट्रैक्टर HP पता रहता है कि मेरा ट्रैक्टर 50 HP का है या फिर 45 HP का है, लेकिन PTO HP नहीं पता रहता है। तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो इंजन एचपी होती है उसका 85-90% क्या होता है, पीटीओ एचपी होता है। इंजन एचपी के
85-90% पीटीओ एचपी होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा ट्रैक्टर है, समझ लीजिए मेरे पास कोई एक ट्रैक्टर है, 50 HP का ट्रैक्टर है, मान लीजिए 50 HP का मेरे पास ट्रैक्टर है, तो उसका पीटीओ एचपी कितना रहेगा? तो मैंने आपको बताया दिया कि इंजन एचपी के कितना रहता है, 85-90% रहता है, ये गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से है। तो 85-90% है, मतलब इसका पीटीओ एचपी कितना हो गया, 45। इसका पीटीओ एचपी कितना, मान लीजिए मैंने 90% लिया तो कितना हो जाएगा इसका पीटीओ एचपी, 45 HP हो जाएगा। अब मैंने आपको पहले बताया कि एक ब्लेड जो होता है ये एक पीटीओ एचपी का है, तो मुझे 50 HP के ट्रैक्टर के लिए कितने ब्लेड का रोटावेटर चाहिए, 45 ब्लेड का रोटावेटर चाहिए। लेकिन 45 ब्लेड का रोटावेटर हमारे पास नहीं है, हमारे पास है 42 ब्लेड का है और 48 ब्लेड का है। तो इसमें दोनों में से कोई भी एक रोटावेटर हम क्या कर सकते हैं, इस 50 HP के ट्रैक्टर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, 42 ब्लेड का भी ले सकते हैं और 48 का भी। ये सॉइल कंडीशन के हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। 48 ब्लेड का रोटावेटर भी ये आसानी से चला लेगा, मतलब 7 फीट का रोटावेटर भी आसानी से चला लेगा और 6 फीट का रोटावेटर भी आसानी से ये चला लेगा, ठीक है। तो ये होता है पीटीओ रोटावेटर एचपी सिलेक्शन, मतलब कितने एचपी के ट्रैक्टर के लिए कितने फीट का रोटावेटर या कितने ब्लेड का रोटावेटर हमें सिलेक्ट करना है। वैसे हम 40 HP के ट्रैक्टर के लिए भी निकाल सकते हैं, उसका 85-90% कर दीजिए, जो आएगा वो उसका पीटीओ एचपी रहेगा, उसके हिसाब से हमें पता है रोटावेटर का एक ब्लेड एक पीटीओ का होता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, इसका हम प्रैक्टिकल सेशन देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिकली हम देखने वाले रोटावेटर का पूरी सेटिंग किस तरीके से होता है। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।